दोस्तों, नेहा कक्कड़ को आजकल कौन नहीं जानता है। नेहा कक्कड़ के आजकल गाए हुए हर गाने वायरल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक समय ऐसा था जब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। मैं इस वीडियो में आज आपके लिए कुछ ऐसी ही नेहा कक्कड़ से जुड़ी बातें लेकर आया हूँ। नंबर वन, दोस्तों, जब नेहा कक्कड़ 4 साल की थी तब से ही उनको सिंगिंग का शौक है और उन्होंने और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेहा कक्कड़ ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हैं जो फैमिली जो माता की चौकी होती है वहाँ पर भजन गाया करती हैं। नेहा कक्कड़ ने अपनी शुरुआती दिनों की जो शुरुआत है वो वहीं से की थी। नंबर टू, दोस्तों, नेहा कक्कड़ ने अपनी पढ़ाई न्यू हॉली पब्लिक स्कूल से की थी। 2006 में पहली बार वो किसी टीवी शो में आई थी जिसका इंडियन आइडल सीजन 2, और वहाँ पर वो बहुत ही आगे तक जाते जाते टॉप 8 तक उनको बाहर कर दिया गया था, और आज वो उसी शो को ओन करती हैं। आप समझ सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा सक्सेस हो गई हैं। नंबर थ्री, दोस्तों, जो नेहा कक्कड़ के फैंस हैं वो इन्हें इंडियन शकीरा कहकर भी बुलाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 1000 से भी ज़्यादा लाइव शोज आज तक कर चुकी हैं। नंबर फोर, नेहा कक्कड़ असलियत में जब फेमस हुई जब उन्होंने अपने पसंदीदा सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए गाना गाया, और उस गाना बहुत ही ज़्यादा फेसबुक पर वायरल हुआ, इसी वजह से वो बहुत ही जल्दी सुपरस्टार बन गई। नंबर फाइव, दोस्तों, नेहा कक्कड़ जब इंडियन आइडल से बाहर हो गई थी तो उन्होंने अपनी वॉइस पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, और उसके थोड़े टाइम बाद ही उन्होंने अपनी एक एल्बम लॉन्च कर दी जिसका नाम था द नेहा सुपरस्टार, और वो एल्बम की सक्सेस के बाद और वो एल्बम बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हो गई। नंबर सिक्स, दोस्तों, नेहा कक्कड़ यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने जो कपिल शर्मा शो है उसका जब पहले नाम था द कॉमेडी सर्कस, उस वक्त भी उन्होंने उस पर काम किया था। उन्होंने अपने स्टाइल से और अपने बोलने के तरीके से बहुत ही ज़्यादा लोगों को कॉमेडी सर्कस शो में हंसाया था। बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।